सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ ही बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो अब हम चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो पहली अपडेट आ रही है कर्मा की तरफ से। कर्मा का बहुत ही जल्द एक फ्री वर्स आउट होने वाला है जिसका नाम है बेसिक बार्स, और ये ट्रैक जो आपको सुनने को मिलेगा कर्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो लेट्स वेट एंड वॉच कर्मा की तरफ से कब तक हमें फ्री वर्स सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करने वाले अगले अपडेट के बारे में। तो अगले अपडेट आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है हनी पाजी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पिक शेयर किया और उसके साथ उन्होंने ये लिखा, लिसनिंग टू द फाइनल मास्टर ऑफ बिल्लो तुअग @ सिंस्टा म्यूजिक। तो इसका मतलब ये है कि हनी पाजी और सिंस्टा का ये ट्रैक बहुत ही जल्द हमें सुनने को मिलने वाला है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कब तक हमें ये ट्रैक सुनने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगले अपडेट आ रही है एमवे बंटाय की तरफ से। सो एमवे बंटाय का नो ब्रांड्स ईपी का टाइटल ट्रैक यानी नो ब्रांड्स जो है यूट्यूब ने टेकन डाउन कर दिया है ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम, और ये क्लेम किया है शेवी ने। तो अगर आप वो वीडियो अभी खोल के देखते हो तो उस पर कुछ ऐसा लिख के आता है, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम बाय शेवी। सो बेसिकली शेवी का कहना यह है कि नो ब्रांड्स ट्रैक के म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्लैम बॉय ने जो है उनकी बीट चुरा के ये ट्रैक बनाया था और ना ही इस सॉन्ग में उनको क्रेडिट्स दिए। सो इसको लेके जो है शेवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, प्रीवियस स्टोरी इज अबाउट द कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नोटिस आई सेंड टू एमवे बंटाय इन नवंबर 2019। हिज प्रोड्यूसर फ्लैम बॉय बीट्स कॉपीड माय बीट व्हिच आई मेड फॉर माय गली बॉय रिमिक्स। ही रीमेड द बीट एंड रिलीज अ ट्रैक एमवे अपलोड इट विदाउट गिविंग क्रेडिट्स टू ओरिजिनल प्रोड्यूसर। आई वाज अ एमवे बंटाय फैन अंटिल दिस शिट हैपेंड। आई हैड सेंड lots of mail DM to MWay and his management but no reply from them to clear this thing, so I have no option left to, this is not a publicity stunt. Lots of small artists like me face this kind of problem daily and these big shot artists just steal their work without giving credits and loyalties. So yaar ye tha Shavi ka reaction. So yaar no brands track ka instrumental aur Shavi ka instrumental beat dono YouTube par uploaded hai, to dono ki link jo hai main description mein mention kar dunga, to aap jaake ek bar zarur sunna aur comment section mein zarur batana ki aapko kaisi lagi dono beat सुनके, अलग अलग लगेगी सेम। बाकी यार मैंने जब सुना ये दोनों बीट तो मुझे तो सेम ही लगा। सो यार इस पूरे सीन के बाद जो है सब वेट कर रहे थे फ्लैम बॉय के रिएक्शन का। सो फ्लैम बॉय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, पीपल टॉकिंग शिट अबाउट द जस्टिस एंड क्रेडिट्स नहीं मिला, हूएवर दैट प्रोड्यूसर इज डीप इनसाइड ही नोज ही स्प्रेडिंग द फकरी एंड जस्ट वांट्स टू डिफेम। अ लॉयल्टी फ्री सैंपल कैन बी यूज्ड बाय एनीवन वेदर इट्स मी यू और एनी अदर प्रोड्यूसर इन दिस वर्ल्ड, क्लेमिंग योर ऑन एंड गोइंग टू एन एक्सटेंट ऑफ डिफेमिंग यू कैन टेक दैट एल। द बीट वाज मेड अ ईयर अगो इवन बिफोर that producer released it on YouTube and because we plan an EP the song was one from it. I have the project file and pack too. I don't need shit to prove. We just came to know about this having no idea that the video of No Brands was down from the YouTube just because someone claimed to be his piece of art which is not. Cloud chasing won't help. The team is digging deep into it and will get everything legally sorted super soon. Peace. सो बेसिकली फ्लैम बॉय यही कह रहे हैं कि उनके पास सारे प्रूफ्स है ये साबित करने के लिए उन्होंने ये बीट कॉपी नहीं किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि एमवे बंटाय की टीम जो है ये सारी चीजें लीगली सॉर्ट आउट करने के लिए लगी हुई है। सो ये हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ट्रैक जो है वापस यूट्यूब पर आ जाए। बाकी एमवे बंटाय की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। तो अब हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगले अपडेट आ रही है जी1 पुलिस वाला रैपर की तरफ से। सो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, सब आर्टिस्ट से दरख्वास्त है अगर तुम किसी से काम करवाते हो एटलीस्ट क्रेडिट्स तो दो उन बंदों को। सो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये मैसेज किसके लिए था। तो अब हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगले अपडेट आ रही है 47 की तरफ से। सो अभी रिसेंटली 47 ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा, भयंकर मामला ऑन इट्स वे रास्ता दोबे। सो इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से हमें बहुत ही जल्द कोई ट्रैक सुनने को मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगले अपडेट आ रही है मूफाड़ की तरफ से। सो अभी रिसेंटली जो है मूफाड़ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में Q&A सेशन रखा था जिसमें कि उनके फैंस ने उनसे काफी सारे क्वेश्चंस किए। सो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। तो उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया, भाई सब ठीक है बट अब उस दिन इंस्टा लाइव पे सब एंड हो गया था तो ये लेटेस्ट डिस क्यू। सो इसके रिप्लाई में मूफाड़ ने ये लिखा, ना किसी से पूछ के शुरू किया ना किसी के कहने पे खत्म। सो इसके बाद उनके किसी फैन ने उनसे ये पूछा, एक और डिस कब आ रहा है, तो इसके रिप्लाई करते हुए मूफाड़ ने ये लिखा, खत्म करने के बाद पहल नहीं करता मैं। सो इसके बाद जो उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया, क्या आपको दुख होता है कि बिकॉज ऑफ दिस फाइट यू लूज योर ब्रदर्स। सो इसको रिप्लाई करते हुए मूफाड़ ने ये लिखा, अब नहीं होता मूव ऑन विद टाइम। सो उसके बाद उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया, इंस्टा लाइव वाली टिकट फेक थी, तो उन्होंने लिखा नहीं। इसके बाद उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया, एमवे ने आपके सॉन्ग का स्वाइप अप दिया था आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया उस स्टोरी पे, तो इसको रिप्लाई करते हुए मूफाड़ ने ये लिखा, कर दिया था ब्रो पर्सनली। सो इसके बाद जो उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया, ब्रो आपने इंस्टा लाइव सॉन्ग को अपनी इंस्टा पे क्यों नहीं डाला, तो इसके रिप्लाई करते हुए मूफाड़ ने ये लिखा, किसी रीजन से नहीं डाला। सो इसके बाद जो है उनके किसी फैन ने उनसे ये क्वेश्चन किया जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, और वो क्वेश्चन ये था, रफ्तार का कमेंट आपने डिलीट क्यों किया। सो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए
उफाड़ ने ये लिखा, मैं कमेंट में पिन करने के लिए ढूंढ रहा था, किसी ने स्क्रीनशॉट डीएम किया था, कुछ घंटों बाद मुझे ही नहीं मिला, खुद डिलीट किया होगा। सो यार ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मूवफार्ट्स Q&A सेशन, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। सो स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।